चाहे वो आश्रम हो और चाहे वो आश्रमधारी हो, चाहे आश्रम हो चाहे आश्रमधारी हो, जहां जहां भी गलतियां हुई हैं वहां वहां आज भी टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन याद रखना, जहां आज भी चरित्र का ध्वज लहरा रहा है, चरित्र की पताका लहरा रही है, मैं कहता हूं चाहे जितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अपने को कुछ भी मानता हो, वहां पहुंचेगा तो उसका मस्तक अपने आप झुक जाएगा। बोलो झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? अपने आप झुक जाएगा, मैं सत्य कह रहा हूं। सोने का पहाड़ किसी के पास क्यों ना हो, लेकिन याद रखना उस सोने के पहाड़ के सामने व्यक्ति झुकेगा नहीं, लेकिन कामदगिर पर्वत के सामने जब व्यक्ति पहुंचता है तो बड़े बड़े पूंजीवादी झुक जाते हैं, झुकते नहीं है, साष्टांग दंडवत करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं। बोलो, देखा होगा आपने दंडवती लगाते हैं। क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र नायक प्रभु राम ने तपस्या की है। बोलो सबसे बड़ा चरित्र नायक कौन है संसार में? राम। बोलो है कि आदर्शवादी कौन है संसार में? राम। मर्यादा के सुमेर पर पहुंचने वाला कौन है संसार में? राम। उस राम ने आश्रय स्थल बनाया है अपना उस पर्वत पर। बोलो आश्रय स्थल बना कि नहीं बना? तपस्थली तो है ही है, आश्रय स्थली भी है। 11.5 वर्ष तक आश्रय प्रदान किया है राम। इसलिए सारी दुनिया केवल झुकती नहीं है, लेटे लेटे दंडवती परिक्रमा करती है दुनिया। पाहि नाथ कह पाए गुसाई, अभी आप सुन रहे थे, भूतल परउ लकुट की नाही। भरत जी अयोध्या में लकुट की नाही नहीं गिरे, कहां गिरे भरत जी? चित्रकूट में। पाहि नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परउ लकुट की नाही। इसलिए गीदराज जटायु के पास चरित्र बल है। कौन सा बल है? चरित्र बल है। इसलिए चरित्र बल में कितनी बड़ी ताकत तो साहस होता है। साहस पूर्वक कहता है गीदराज जटायु, रे रे दुष्ट ठाण किन हो जाए, दुष्ट खड़ा हो जा। रावण खड़ा हो गया, कौन है दुष्ट कहने वाला, देखता हूं कौन है। और जैसे ही गीद ने देखा ये आत्ताई खड़ा है, उसके पास हाथ में तलवार है, कृपाण है, ना जाने कितने अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन गीद ने उन अस्त्र शस्त्रों की चिंता नहीं की, चौंच से ऐसा प्रहार किया कि रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। चौंच का प्रहार किया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोलो ईमानदारी से, चौंच में कितनी ताकत होती है, चौंच में कितनी शक्ति होती है? जो कराल कृपाण में ताकत है वो चौंच में ताकत होगी क्या? लेकिन ऐसी चौंच मारी कि गिर गया बेहोश होकर, रक्त निकलने लगा शरीर से। जैसे ही धरती पर गिरा, जानकी जी के चरण पकड़ लिए। किसने? जटायु जी। चरण पकड़ के कहता है अपना मस्तक रख के, रे पकड़ने का मतलब है अपना मस्तक रख दिया चरणों में, और मस्तक रख के कहता है कि बेटी आने में विलंब हो गया है इसलिए क्षमा कर दो मुझे, आने में विलंब हो गया है मुझे क्षमा कर दो, पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं, आने में विलंब होगा। मेरे पास सोने का महल नहीं है, जनकपुर में आप रहती थी सोने के महल में रहती थी, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिर नदीन पग अवनी कठोरा, लेकिन मेरे पास एक टूटी फूटी गुफा है, लेकिन बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए पर्याप्त है, आप गुफा के अंदर रहेंगी, मैं गुफा के बाहर सम्मान की रक्षा करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अपमान नहीं होने दूंगा, ये आश्वासन देता हूं, क्योंकि मैं बाप की भूमिका में हूं, आप मेरी बेटी। सीते पुत्री, सीते पुत्री करसि जनित्रासा, करी हो जा तू धान करनासा, इसका तुम्हें विनाश कर दूंगा,
यह बचने वाला नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को मैं बचाऊंगा और ये बचेगा नहीं, इसका विनाश होगा। और आपकी प्रतिष्ठा जब तक जिंदा हूं तब तक जा नहीं सकती है, रक्षा करूंगा जब तक श्वास चलती रहेगी। इसका मतलब ये चरित्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है? चरित्र बोल रहा है, मुझे शरीर की चिंता नहीं है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सम्मान नहीं जा सकता है, सम्मान की रक्षा करूंगा। ये सोच है, इसी सोच ने गिद्धराज जटायु को महान बना दिया। बोलो, बना दिया कि नहीं बना दिया? क्या बना दिया? महान बना दिया। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, कुछ लोग तो इतिहास के प्रेमी हैं, जानते हैं। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों ने हंसते 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 फांसी के फंदे को स्वीकार किया था। रोते हुए किया था कि हंसते हुए? वो हंसते हुए। जब मौत सामने दिखाई दे रही है तो व्यक्ति रोता है कि हंसता है? रोता है ना? लेकिन प्यारे, मौत तो सबकी आएगी, मरना तो सबको पड़ेगा। एक मौत सहज हो जाती है, एक मौत विवश कर देती है मरने के लिए, क्यों मरना पड़ेगा तुमको, एक सहज मौत हो जाती है। लेकिन ये तीनों नौजवानों ने जब फांसी के फंदे को देखा तो देख करके ये तीनों हंस पड़े और उन्होंने हंसते हंसते फंदे को स्वीकार कर लिया। जल्लादों ने कहा कि मैंने फांसी तो बहुत लोगों को दी है, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि फांसी के फंदे के समीप पहुंच करके कोई हंसा, पहली बार, सब रोए। अच्छा, जल्लाद को पता रहता है कि नहीं रहता है? जल्लाद ही तो फांसी देता है कि व्यक्ति रोता है कि हंसता है। मैंने अभी तक जितने भी आए फांसी की सजाएं सुनी सुनाई, फांसी की सजा दी, फंदे को डाला गले में, तो वो रोए, लेकिन तुम तीनों हंस रहे हो, कारण क्या है? क्या अपने शरीर की चिंता नहीं है, जीवन की चिंता नहीं है? तो तीनों नौ निहालों ने कहा था, तीनों नौजवानों ने कहा था कि नहीं नहीं, नहीं मुझे शरीर की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। क्यों? फिर किसकी चिंता है, क्या इच्छा है? अच्छा, एक बात बताओ, मरने वाले की इच्छा की पूर्ति की जाती है, तुम्हारी इच्छा क्या है? मृत पूर्व इच्छा है ना, मरने के पहले इच्छा क्या है? उन तीनों ने कहा एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? व्यक्त करो। उन तीनों ने कहा हमारी एक ही इच्छा है, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें मेरा देश रहना चाहिए, यही तमन्ना है और कोई इच्छा नहीं। बोलो भाई, मेरा देश रहना चाहिए, ये चरित्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये करैक्टर बोल रहा है, चरित्र बोल रहा है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चरित्र का निर्माण करो, भवनों का निर्माण होता रहेगा। याद रखना, ना जाने कितने प्रकार के निर्माण अभी तक तुम करा चुके हो, ये निर्माण एक दिन ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन चरित्र का निर्माण यदि तुमने अपने जीवन में कर लिया तो मरने के बाद भी तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी, उसे कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा, उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है, इससे बड़ी पूंजी और दूसरी हो नहीं सकती है। इसलिए रामचरितमानस हो चाहे भागवत की कथा हो, यह सुनकर के आपके चरित्र का निर्माण होता है। होता है कि नहीं होता है? और सुनिए, चरित्र बोल पड़ा गिद्धराज जटायु का कि बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे सम्मान पर आंच नहीं आएगी, ये मैं वचन दे रहा हूं। सीता जी को सम्मान पूर्वक ले गया और गुफा में स्थापित किया जटायु जी महाराज। जटायु ने कहा कि अब मैं रुकूंगा नहीं, जाऊंगा। क्यों? जब ये होश में आएगा तो इसे सबक सिखाऊंगा।
अरे तो अभी तो बेहोश पड़ा है, अभी सबक सिखा दो। बोले नहीं, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, ये कायरता के लक्षण है। किसके? कायरता के लक्षण है कि नहीं? मूर्छित पर वार करो, कोई बेहोश पड़ा हो उस पर लाठियां मारते रहो, हैं? उस पर प्रहार करते रहो, ये कायरता है। होश में आए तब उस पर वार प्रहार करो। आजकल तो कायरता का ही काम ज्यादा होता है, लोग आगे से कम वार करते हैं, पीछे से ज्यादा करते हैं। गिदरा जटायु ने कहा नहीं, अरे ये होश में आ जाएगा तो उसके पास शस्त्र बहुत हैं, क्या करोगे तुम? गिदरा जटायु ने कहा नहीं नहीं, मेरा धर्म कहता है कि मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, जब ये होश में आ जाएगा तब मैं वार करूंगा। इंतजार कर रहे हैं कि ये होश में आए। जैसे ही रावण होश में आया तो उसे एहसान मानना चाहिए था कि कम से कम बेहोशी में आपने हमारे ऊपर वार नहीं किया। क्यों भाई? कम से कम हमारे प्राण बचे। अब सीता जी को ले गए हो तो ले जाओ, कम से कम प्राण तो हमारे नहीं लिए तुमने। सीता जी को तो ले गए, प्राण तो नहीं लिए, प्राण तो बच गए हैं, अब मैं लंका जा रहा हूं। ऐसा नहीं, वो राक्षस है, उसकी सोच ही गलत है, उसके पास करैक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है। इसलिए क्रोध में आकर के उसने कराल कृपाण को निकाला और गिदराज जी महाराज प्रहार नहीं कर पाए, इसके पहले ही उसने पंख को काट दिया। तव सक्रोध निश्चर खिसियाना ओ काड़ी सी परम कराल कृपाण। और जैसे ही कराल कृपाण निकाली, काटि सी पंख पराखग धरणी ओ सुमिर राम कर अद्भुत करनी। पंख कटे तो राम 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 कहके गिर पड़े। याद रखना, जैसे ही राम राम कह के गिरे तो मौत आ गई तुरंत, मौत आ गई। राम राम कह के गिरे इसका मतलब मरने जा रहे हैं, तो कौन आई? मौत आई। जटायु जी ने मौत को रोका, रुक, मैं मरूंगा, जब मेरी इच्छा होगी तब मरूंगा। इच्छा मृत्यु, इसको क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु। रुक, बोलो चरित्र में बड़ी ताकत है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? मौत को रोकने की भी ताकत है करैक्टर में, चरित्र में। याद रखना, साधारण मत समझना इसको, हल्के में मत लेना। मौत भी कांपती है चरित्रवान के आगे। रोक दिया, रुक, मरूंगा तो, लेकिन अभी नहीं। सीता जी ने जैसे ही देखा कि अरे मेरा बाप तो घायल हो गया, पंख ही कट गए, राम 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 कह रहे थे गिदराज जटायु जी। सीता जी ने जैसे सुना, सुन करके जटायु जी के पास आ गए। रावण गुफा के अंदर नहीं जा पाता, एक बात और सुन लो, गुफा के बाहर नहीं निकलती, जैसे रेखा के अंदर नहीं जा पा रहा था वैसे गुफा के अंदर नहीं जा सकता था। आप कहो महाराज रेखा में तो एक प्रतिबंधित थी वो रेखा, उसने प्रतिबंधित किया, उसमें अग्नि की ज्वाल प्रकट हो गई थी, इसलिए समस्या थी। गुफा के अंदर जाने में क्या समस्या थी? मैं एक बात कहता हूँ, रावण है अभिमानी, वो अभिमानी आदमी झुकना नहीं जानता है, और गुफा में कोई प्रवेश करेगा तो उसे झुकना पड़ेगा। जो भाई झुकना पड़ेगा कि नहीं? और वो झुकना चाहता नहीं है, और झुक जाए तो याद रखना परिवर्तन हो जाए उसमें। तो निश्चित है कि सीता जी अगर नहीं निकलती तो रावण नहीं जा सकता था गुफा के अंदर। सीता जी स्वयं निकल के बाहर आई और गिदराज जटायु के पास आई, तभी रावण दोबारा ले गया। सीता जी ने जैसे दुर्दशा देखी जटायु जी की, रक्त प्रवाह हो रहा था, एक नदी प्रवाहित हो रही थी रक्त की, ऐसा लगा एक धारा निकल पड़ी रक्त की। सीता जी ने अपना माथा पटक दिया, क्या हुआ ये? मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी, बस इतना ही कह पाई सीता जी। इतने में रावण ने सीता जी को रथ में बिठा दिया। गिदराज जटायु ने कहा कि बेटी मेरे पंख नहीं है, इसलिए आज मैं तेरी मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूं कि इस आतताई अधर्मी जिस दिशा में ले जा रहा है, इसका नाम, इसका ठाम, इसका गांव
ये सारी सूचना मैं दूंगा। किसे दूंगा? उसे दूंगा जो तेरा स्वामी है, जो तेरा स्वामी है, जिसने मंडप के नीचे तेरे जीवन की रक्षा का संकल्प लिया था। बोलो, मंडप के नीचे पति पत्नी के जीवन की रक्षा का संकल्प लेता है कि नहीं लेता है? और जब वो मांग भरता है तो पत्नी कहती है, आपने मेरी मांग भर दी है, अब मैं जिस दर परमात्मा के दर पर जाऊंगी, एक ही मांग करूंगी कि मेरी मांग की रक्षा करो, मेरी मांग की रक्षा करो, मेरे मांग की। जिस दर पर जाऊंगी, ईश्वर के दरवाजे पर जाऊंगी, जिस तीर्थ में जाऊंगी, तो केवल एक ही मांग मांगूंगी कि मेरे मांग की रक्षा करो। तो मेरे मांग की रक्षा करने का अर्थ क्या हुआ? पति को दीर्घायु बनाना। क्यों भाई, यही अर्थ हुआ कि नहीं? पति को दीर्घायु बनाना। मंडप के नीचे तेरे पति ने तेरी रक्षा की शपथ ली थी, मैं बाद में मरूंगा, जब तक सूचना नहीं दे दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। जाओ बेटी, जहां भी तुम रहोगी, मेरी दुआएं हैं तेरे साथ के तेरे सम्मान की रक्षा हो। मेरी दुआएं जा रही, मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरी दुआएं जा रही हैं, तेरे सम्मान की रक्षा हो। ईमानदारी से बताओ, आपने प्रणाम किया, मैंने आपको आशीर्वाद दिया, आप पूछो कि स्वामी जी आशीर्वाद क्या करेगा? तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। आप क्या मेरे साथ रहोगे? तो मैं यही कहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो बोलो, विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। गीदराज जटायु ने कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारे सम्मान की रक्षा होगी। ये आतताई रावण, अधर्मी अन्यायी अत्याचारी, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मेरी दुआएं तेरे साथ। बस रथ आगे बढ़ा, गीदराज जटायु राम 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 राम, मौत से कहा तू रुक, मरूंगा मैं, लेकिन जब तक सीता जी की शुद्ध प्रभु राम को नहीं सुना दूंगा तब तक मैं नहीं मरूंगा। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे, मरत न मैं रघुवीर। ए रघुवीर, तू मेरी वाणी सुन ले, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तू आ नहीं जाएगा, जब तक तू आ नहीं जाएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। मरत न मैं रघुवीर, बिलो के तापस वेश बनाए, चाहत चलन प्राण पावर, बिन सिए सुधि प्रवही सुनाए। ये प्राण मेरे तब तक नहीं निकलेंगे जब तक सीता जी की शुद्ध नहीं सुना दूंगा, इसलिए जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। सोचो जरा, राम जी को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? कितनी बड़ी ताकत है चरित्रवान में कि राम को बुला रहा है तो राम को आना पड़ा, और सीता जी को आश्वासन दिया कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करना, घबराना नहीं, मेरी दुआएं कवच बनकर के तेरी रक्षा करेंगी, तू कहीं भी रहेगी तेरी रक्षा होती रहेगी, विश्वास करना, घबराना ना। मरत न में रघुवीर, बिलो के तापस भेष बनाए, चाहत चलन प्राण पावर, बिन सिए सुधि प्रवही सुनाए। बार बार कर्मी जिस धुनी, गीधराज पछताई, प्रभु कृपालु तही अवसर आए गए दो भाई, तुलसी प्रभु कृपालु तही अवसर
आए गए दो भाई। बस ऐसा कह ही रहे थे, इतने में राम लक्ष्मण दोनों आ गए। समझ में आ रही बात कि नहीं? राम लक्ष्मण दोनों आ गए। प्यारे, समय तो 8:50 हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट और सुनाऊंगा, 9 बजे तक सुनाऊंगा, है ना। समय थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है, क्या कर, हो जाता है तो हो जाता है, हो जाने दो, तुम तो आनंद लो। एक दिन तो शेष रह गया है, रह गया कि नहीं रह गया है, इतना समय में, ये तो आश्रम है मेरा इसलिए समय दे दिया, ये तो मैं अपने घर में कथा कह रहा हूँ, बोलो भाई। नहीं, इतना समय नहीं मिल पाता है, बहुत लोग ना जाने कितने महीनों से संपर्क में है, हमको दे दो महाराज, 3 दिन ही दे दो, 3 दिन समय ही दे दीजिए, हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, समय ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये घर है, हमारा आश्रम है, हमारे महाराज श्री को ये मिला है आश्रम, क्यों मिला कि नहीं? मैं इस मंच से श्री राम भरोसे सिंह को याद कर रहा हूं। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है प्यारे। अच्छा बोलो, वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज मैं इस मंच से उनका स्मरण कर रहा हूं कि नहीं, उनका नाम ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं? याद रखना, घर छोड़ करके आया, घर की याद नहीं है। कितने बार मैंने अपने गांव का नाम लिया, जरा बता दो जरा। भारत में जहां जहां भी जाता हूं, कितने बार अपने गांव का परिचय देता हूं कि मैं अमुक गांव का हूं, अमुक जिले का हूं। नहीं नहीं, ना मुझे गांव की याद आ रही है, ना मुझे जिले की याद आ रही है, लेकिन राम भरोसे सिंह की याद आ रही है कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, भगवान सीताराम जी को स्थापित करा दिया है, और अपना जीवन और जो भी उनके पास था स्वामित्व, वो सब महाराज श्री के हाथों में सौंप दिया और चित्रकूट में वास किया। उन्होंने किया कि नहीं किया? आज ये खेत तीर्थ बन गया है। बड़े बड़े खेत हैं कवरई में, तो बोलो जमींदारों के पास, बोलो है कि नहीं? लेकिन इस खेत की जो महिमा है और खेतों की महिमा है क्या, जल्दी बोलो। ये खेत ही तो था, या मंदिर था, कहां ये खेत था, बोलो था कि नहीं? राम भरोसे सिंह को ये विरासतन मिला था, है विरासतन, ये खेत मिला था या उन्होंने खरीदा होगा, जो भी रहा हो, लेकिन ये खेत था। लेकिन राम भरोसे सिंह इस खेत को धाम बना के चले गए, इसलिए उनका स्मरण किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। ऐसे महापुरुष के हाथ में सौंपा, जो महापुरुष एक एक तृण कण का सदुपयोग करना जानता था। बोलो श्री श्री 1008 श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज महापुरुष थे वो, है एक एक वस्तु का सदुपयोग करना उनके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। ऐसे महापुरुष के हाथ में सौंप के गए वो, इसलिए आज यहाँ पर ये दिव्य सत्संग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं तो चाहता हूं कि बघवा कबरई क्षेत्र के पूरे लोग इस आश्रम से जुड़े। इस आश्रम में जितना अच्छे से अच्छा हो सकता हो आप सब सहयोग दें, मेरा भी सहयोग रहेगा, बृहद से बृहद व्यवस्थाएं बनाई जाएं, एक विशेष आस्था का केंद्र बन जाए क्षेत्र का। ये मेरी भी हृदय की आवाज है और आप सबकी भी मौन स्वीकृति है। बोलो है कि नहीं? कैसी स्वीकृति है? मौन स्वीकृति है। कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे बुलाया, समय तो नहीं रहता था लेकिन बुलाया, भगवान ने बुलाया, बुलाया है तो स्वर्णिम समय दे दिया, और पूरे 7 दिन का समय मैंने दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? आपने मुझे नहीं बुलाया है, मैंने आपको बुलाया है। क्यों भाई? आपने मुझे नहीं बुलाया है लेकिन मैंने आप लोगों को बुलाया, आइए 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 आइए। क्यों भाई, बुलाया कि नहीं बुलाया? बोलो भाई, मेरे आने की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन जब मैं आ गया तब आपको पता चला, तो आप लोग दौड़े चले आए। क्यों? इस आश्रम के प्रति मेरा समर्पण है,
इसलिए समर्पण है कि बड़े महाराज जी के मुख से मैंने स्वयं सुना था। एक बार में बहुत पहले की बात है, जब बच्चा था, छोटा बालक था, तो महाराज जी ने स्वयं कहा था, क्यों कबरई में बगवा में अपना स्थान है, रहोगे वहां? मैंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद होगा तो। अरे कहां रहोगे, तुम तो कथा वाचक हो, पता नहीं कहां कहां रहोगे। हंसते हुए उन्होंने, अरे कहां कहां रहोगे, तुम तो कथा वाचक हो, कहां कहां रहोगे। लेकिन अंतर मन की भावना व्यक्त की थी महाराज जी ने। यहां का नाम है, यहां का अन्न पानी जाता भी था कामतानाथ, पहले खेती होती थी तो यहां से संत सेवा में भंडारे में सम्मिलित होता था, यही उद्देश्य था। लेकिन प्यारे कुछ वर्षों से यहां का धन यही लगा है, उसका प्रमाण देखिए आप, हॉल बना हुआ है और अंदर मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है, बाउंड्री वाल नहीं थी, बाउंड्री वाल हुई, गेट लगाया गया, ये सारा इंतजाम किया गया। मैं निश्चित रूप से प्रसन्न हुई इस स्थान को देख करके, मैं उदास नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहले जब मैं आया था तब मैंने केवल मंदिर का ही स्वरूप देखा था, छोटा सा मैदान था यहाँ तो, है ना। लेकिन जब देखा मैंने यहाँ के, तो परिवर्तन बहुत दिखाई दिया। अब मैं कहता हूं, आपसे आश्वासन देता हूं,